हे गाइस, इट्स मी अगेन। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। जय श्री कृष्ण आप सबको। जैसे ही गणपति बप्पा का विसर्जन होता है, उसके तुरंत ही बाद श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष शुरू हो जाता है। हिंदू धर्मों में पूर्वज की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठानों का समय होता है। तो आज दिन बहुत ही अच्छा है। देखो, बहुत दिनों बाद इस तरह से बारिश आई है। आ जाओ, आज हम बनाते हैं सीताफल बासुंदी। वैसे सीताफल की सीजन आ गई है। वैसे हर फलों की अलग अलग सीजन होती है, तो उनमें से मेरी यह एक फेवरेट सीजन है, वो है सीताफल बासुंदी। वैसे मुझे सीताफल खाना पसंद नहीं है क्योंकि उनके अंदर ना बहुत सारे बीज होते हैं, परंतु मुझे उसकी बासुंदी बहुत पसंद है। और आप घर पर ही कम चीजों का इस्तेमाल करके आसानी से बहुत सारी बासुंदी घर पर ही बना लोगे। सीताफल के बीज मैंने निकाल दिया था, उसकी प्यूरी मैंने फ्रीजर के अंदर 2 दिन पहले निकाल के स्टोर किया था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। वैसे आप इसकी प्यूरी बहुत लंबे समय तक संभाल के रख सकते हो। इधर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैंने 4 ग्लास जितना दूध डाला है। तो दूध मैंने 4 ग्लास इसलिए डाला है ताकि ना उसको हमें रिड्यूस करना है, यानी कि हमें उसको उबाल उबाल के जब तक 2 ग्लास जितना दूध ना बन जाए ना, तब तक हमें उसको उबालना है। आप सबको पता है कि बासुंदी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, परंतु आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी बासुंदी। और बासुंदी बनाने के लिए दूध कैसा लेना है, आपको फुल क्रीम दूध लेना है जिसमें मलाई आती हो। अगर आप नॉर्मल टोन मिल्क का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी बासुंदी गाढ़ी नहीं बनेगी। बासुंदी को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे उसको चलाना है, उसको उबालना है। कंटिन्यूसली हमें उसको हिलाना है ताकि नीचे दूध ना चिपक जाए। थोड़ी थोड़ी देर में ना आप देख सकते हो ऊपर से झाग आने शुरू हो गई है। तो जब भी आपको इस तरह से झाग दिखे ना, तो झाग को हमें इस तरह से साइड में चिपकाना है। तो थोड़ी देर में ना झाग साइड में बैठे बैठे सूख जाएगी, उसके बाद ना गाढ़ा हो जाएगा और अपने आप ही रबड़ी बन जाएगी। गैस की आंच मैंने अभी भी धीमी रखा है, मीडियम हाई फ्लेम पे ही रखा है। हमें गैस की आंच फुल नहीं करना है, नहीं तो दूध उबल जाएगा और दूध उबल के बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो बहुत सारी झाग तैयार हो रही है और बहुत सारी ढेर सारी रबड़ी भी बन जाएगी। तो थोड़ी देर में ना झाग को हमें इस तरह से निकालना है। थोड़ी देर में ना झाग एकदम ड्राई हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सूख जाएगा। उसके बाद हमें उसको कड़छे की मदद से या फिर कोई चम्मच की मदद से निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। जैसे जैसे झाग आप निकालते जाओगे वैसे वैसे दूध में रबड़ी बनती जाएगी। मैंने इसके अंदर 4 ग्लास जितना दूध लिया था, मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बोलूँ ना तो करीबन 1 लीटर जितना दूध है। तो जब भी 1 लीटर जितना दूध ना, आधा लीटर जितना दूध ना हो जाए ना, यानी कि 4 ग्लास का 2 ग्लास ना हो जाए ना, तब तक हमें दूध को उबालना है। तो दूध को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडे होने पर दूध और ज़्यादा गाढ़ा होता है और ठंडा करने के बाद दूध और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दूध गाढ़ा होने के बाद इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। वैसे 4 ग्लास दूध के लिए मैंने इधर 4 बड़ी चम्मच शक्कर का इस्तेमाल किया है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आप कितना मीठा खाना पसंद करते हो, कितना कम मीठा खाना पसंद करते हो, उस हिसाब से आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और हमारी रबड़ी बासुंदी तैयार है। बासुंदी वाले दूध को हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। वैसे थोड़ी देर में ना ठंडा हो ही जाएगा, करीबन 1/2 घंटा लगा। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हमें इसके अंदर डाल लेना है सीताफल का पल्प। अगर आप सीताफल नहीं खाते हो तो आप इसको इस तरह से ऐसे भी खा सकते हो बिना सीताफल का पल्प डाले। जब ये बासुंदी वाला दूध कम्प्लीटली ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही हमें सीताफल का पल्प डालना है। अगर आप गरम दूध के अंदर सीताफल का पल्प डालोगे ना, तो जो टेस्ट आना चाहिए सीताफल का, वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही पल्प डालना है। बासुंदी एक समृद्ध और शुद्ध मिठाई है जो दूध से बनती है और इसे शुभ व सात्विक भोजन माना जाता है। इसको हमें ठंडा कर देना है फ्रिज के अंदर रख के। तो फ्रिज के अंदर रखने के बाद ही इसका टेस्ट आएगा। कम से कम 3 से 4 घंटे तक हमें फ्रिज में रखना है, उसके बाद ही आप इसको परोसे।
थोड़े मैंने ऊपर से सूखे मेवे डाले हैं। श्राद्ध में बासुंदी बनाने का पारंपरिक संबंध भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक माना जाता है। श्राद्ध के समय पितृ के आत्मा की शांति और संस्कृत के लिए विशेष प्रकार के भोजन बनाया जाता है, जिसमें दूध से बनी एक मिठाई होती है। दूध को हिंदू धर्म में पवित्र और पौष्टिक माना गया है। इसमें देवता और पितृ को अर्पित करने का शुभ समझा जाता है। सीताफल के सीजन में हम हर बार और हर श्राद्ध पे सीताफल वाली बासुंदी जरूर बनाते हैं, और बासुंदी बहुत और बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इस तरह से मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, मैंने आज सिर्फ बासुंदी नहीं बनाया है, बल्कि मैंने बासुंदी के साथ खाने वाला बहुत सारा खाना बनाया है। उसके लिए आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थाली आप त्यौहार में भी बना सकते हो, नवरात्रि में भी बना सकते हो, मेहमान आने पर बना सकते हो और श्राद्ध में भी बना सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।